उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक वाहन के नदी में गिरने से 6 लोगों की मौत की सूचना है। जानकारी के मुताबिक धारचूला गुंजी मोटा मार्ग पर मंगलवार की दोपहर गर्भाधार के पास आदि कैलाश यात्रियों को ला रही यात्री जीप 500 मीटर नीचे काली नदी में गिर गई। जीप में चालक समेत 6 यात्री सवार थे। इस दौरान दुर्घटना स्थल के बेहद खतरनाक होने के चलते यात्रियों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। वहीं जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है वो बेहद खतरनाक चट्टानी खाई है। घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है, लेकिन जिला मुख्यालय में सूचना शाम तक ही पहुंच पाई, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाने के लिए एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को मौके पर रवाना किया, लेकिन बरसात और मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू कार्य में बाधा आने के कारण रेस्क्यू सुबह तक के लिए टाल दिया गया। वहीं दुर्घटना वाले स्थान पर नेटवर्क की समस्या है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम से संपर्क में मुख्यालय को दिक्कत आई। इस दौरान आईटीबीपी ने पुलिस को यात्रियों की सूची दी है, जिसके अनुसार जीप में आदि कैलाश यात्री बेंगलुरु निवासी सत्यवर्धा परिधा, नीलापा आनंद, मनीष मिश्रा और प्रज्ञा वारसम्या सवार थे, जबकि हिमांशु कुमार और वीरेंद्र कुमार स्थानीय हैं। वहीं पिथौरागढ़ के एसपी लोकेश्वर सिंह के अनुसार यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भेजी गई थी, लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू कार्य नहीं हो सका। पहाड़ी से पत्थर गिरने से भी बाधा पहुंची है। बता दें कि 20 दिन के भीतर ये दूसरी घटना है। इससे पहले 8 अक्टूबर को थकती झरने के पास ही एक जीप पर पूरी पहाड़ी गिर गई थी। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी और अब एक बार फिर ये दर्दनाक हादसा हुआ है।